हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी टी एडू हब। स्टूडेंट्स, दिस इज ब्लू बीट पार्ट टू। द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन फिश बट ऑल्सो ऑन डियर एंड मंकीज कम टू ड्रिंक परहैप्स अ डक और टू। ये जो बड़ा सा क्रोकोडाइल था रिवर के अंदर जो रहता था, ये ज़्यादातर फिश को खाता था, लेकिन कभी कभार उन डियर, उन हिरनों और उन बंदरों को भी खाता था जो कि वहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे, और कई बार एक डक को या दो डक्स को खा जाता था। बट समटाइम्स हियर एट द फोर्ट ही फेड ऑन अ पाई डॉग फुल ऑफ पैरासाइट्स और अ स्केलेटन काउ, एंड समटाइम्स ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स and found the half-burned bodies of the Indians cast into the stream। लेकिन कभी कभार ये जो क्रोकोडाइल था ये फोर्ट पर आ जाता था। फोर्ट मतलब वो शैलो प्लेस जहाँ से कोई भी इंसान या जानवर चल सकते हैं, जहाँ नदी का पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो ये क्रोकोडाइल कभी कभी फोर्ट पर आ जाता था और वहाँ पर आकर पाई डॉग फुल ऑफ पैरासाइट्स, तो किसको खा जाता था? ऐसे जो आवारा डॉग्स होते हैं पैरासाइट्स से भरे हुए, जिनकी बॉडी पे पैरासाइट्स लगे होते हैं, या फिर स्केलेटन काउ, और कई बार किसी मरियल सी गाय को जो है वो खा जाता था। एंड समटाइम्स ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स, और कभी कभी वो नदी के किनारे, बर्निंग घाट्स मतलब जो क्रीमेशन प्लेसेस होते हैं जहाँ ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, तो कई बार उन बर्निंग घाट्स पे वो चला जाता था, और जहाँ पर उसे आधे जले हुए इंडियंस की बॉडीज़, इंडियंस जो मरे हुए लोग थे उनकी आधी जली बॉडीज़ मिल जाती थी, और वो उन्हें खींच के नदी के अंदर ले जाता था ताकि उनको खा सके। बिसाइड्स हिम इन द शोल्स एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम बिसाइड हिम, और उसके पास ही शोल्स में, जहाँ पर छोटे जो शोल्स थे वहाँ पर ही ले वेटिंग, एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम। बिसाइड हिम इन द शोल्स एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम बिसाइड हिम इन द शोल्स। शोल्स होते हैं स्टूडेंट फिश के छोटे छोटे झुंड जो स्विम कर रहे होते हैं, तो कहते हैं उसके पास ही छोटी छोटी मछलियों के झुंड जो है स्विम कर रहे थे, और जहाँ वो लेटा हुआ था वहाँ पर वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम, वहाँ पास ही में एक छोटा सा ब्लू जेम जो है वो स्पार्कल कर रहा था, शाइन कर रहा था। मतलब नदी के किनारे फोर्ट के पास जब वो लेटा हुआ था और जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही थी, वहीं पर उसकी साइड पे एक छोटा सा ब्लू जेम जो है वो पानी में पड़ा हुआ था, जो कि स्पार्कल कर रहा था, शाइन कर रहा था। नाउ इट वॉज नॉट अ जेम दो, इट वॉज अ सैंडबॉर्न क्लास दैट हैड बीन रोलिंग अबाउट इन द रिवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये जो जेम था, इट वॉज नॉट अ जेम, ये कोई सेमी प्रेशियस स्टोन नहीं था। एक्चुअली इट वॉज अ सैंड बॉर्न ग्लास, एक्चुअली ये ग्लास का बीट था जो कि रेत के साथ घिस घिस कर शाइन कर रहा था, और दैट हैड बीन रोलिंग अबाउट इन द रिवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और शायद नदी में काफ़ी टाइम से रोल कर रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था। तो आई विल एक्सप्लेन अगेन कि ये जो छोटा सा ब्लू बीट था ये जेम नहीं था, ये कोई सेमी प्रेशियस स्टोन नहीं था, एक्चुअल में ये छोटा सा ग्लास बीट था जो रेत के साथ घिस घिस कर एकदम से शाइनी जेम की तरह शाइन दे रहा था, और जो कि नदी में शायद काफ़ी समय से पड़ा हुआ था, बह रहा था। बाय चांस इट वॉज परफोरेटेड राइट थ्रू द नेक ऑफ ए बॉटल परहैप्स अ ब्लू बीट, और शायद ये भी हो सकता है कि शायद जो कुछ कांच की बॉटल्स होती है जिनके अंदर छोटा सा मार्बल होता है, शायद वो उसमें से बाहर निकल आया हो और ये एक ब्लू बीट हो। इन द श्रीम नॉयरिसी विलेज अबव द फोर्ट आउट ऑफ अ मड हाउस द सेम कलर एज द ग्राउंड केम अ लिटिल गर्ल, अ थिन स्ट्रगलिंग चाइल्ड ड्रेस्ड इन एन अर्थ कलर ड्रग, शी हैड टॉर्न द रैग इन टू टू मेक स्कर्ट एंड सर। इन द श्रिल नॉयसी विलेज अबव द फोर्ट, तो कहते जहाँ पर रिवर शैलो थी उसके थोड़ा सा ऊपर ही हिल पे एक छोटा सा विलेज था, जहाँ से बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते थे, रेजिडेंट्स थे, वो आपस में बातें करते थे, शोरगुल होता था। तो वहाँ पर एक छोटे से मड हाउस में, एक कच्चे घर में, एक छोटी सी लड़की रहती थी, द सेम कलर एज द ग्राउंड, और उस लड़की का रंग वैसा ही था जैसा कि रंग मिट्टी का होता है, मीन्स वो सांवले रंग की लड़की थी, हर कम्प्लेक्शन वॉज डार्क। तो वो एक छोटी सी लड़की थी जिसका रंग जो है वो गेहुआ रंग था, शी वॉज अ डार्क कम्प्लेक्शन गर्ल, अ थिन स्टार्वलिंग चाइल्ड
ड्रेस्ड इन एन अर्थ कलर ड्रेस. स्टार्विंग चाइल्ड मीन्स द चाइल्ड विच डजंट हु डजंट गेट इनफ फूड टू ईट. मतलब एक थिन सी वीक सी लड़की थी जिसने अर्थ कलर का रैग पहना हुआ था, लाइट ब्राउन कलर का, जैसा मिट्टी का रंग होता है उस रंग के कपड़े, एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था. शी हैड टॉर्न द रैग इन टू 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 मेक स्कर्ट एंड साड़ी. और उस लड़की ने, उस छोटी सी लड़की ने उस रैग के दो टुकड़े करके उन्हीं से एक स्कर्ट और एक साड़ी बनाई हुई थी. तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये कि रिवर के साइड पे एक छोटा सा विलेज था जहाँ पे हमेशा शोरगुल रहता था, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे. वहाँ पर एक छोटे से कच्चे घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका रंग जो है, कम्प्लेक्शन जो है वो डार्क था. और उस लड़की ने एक फटा पुराना लाइट ब्राउन कलर का जो है रैग पहना हुआ था. उसने रैग के दो टुकड़े किए हुए थे और उन्हीं उन दो टुकड़ों से एक को वो एज ए स्कर्ट यूज़ करती थी और दूसरे को एज अ साड़ी. उस गर्ल का नेम था सिबिया. सिबिया वॉज ईटिंग द लास्ट ऑफ हर मील. चपाती रैप्ड राउंड अ स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली एंड रेंसिड बटर. तो इस टाइम पे सिबिया जो है वो अपना लास्ट ऑफ हर मील, आज के दिन का आखिरी खाना, मतलब डिनर कर रही थी. चपाती रैप्ड राउंड अ स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली. और उसका खाना क्या था, क्या वो खा रही थी, उसका फूड जो था वो एक चपाती थी जिसके ऊपर स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली, हरी मिर्च की पेस्ट लगी हुई थी एंड रेंसिड बटर. रेंसिड बटर मतलब जो बटर खराब हो गया और ख़राब जो स्मेल करता है, फाउल स्मेल आ रही थी उस बटर में से, उस बटर को और मिर्ची की चटनी को लगाकर वो चपाती खा रही थी. एंड शी डिवाइडेड दिस ऑल्सो टू मेक इट सीम मोर एंड विथ इट शोइंग स्ट्रेट वाइट टीथ. और उस वो लड़की, क्योंकि वो बहुत पुअर थी, इम्पॉवरिश थी, उसने क्या किया, वो उस एक चपाती के दो टुकड़े कर लिए ताकि उसे ऐसा लगे कि वो ज़्यादा खाना खा रही है. और जब वो इसे बाइट कर रही थी, खाने को, चपाती को खा रही थी, तो उसके सफ़ेद दांत जो है वो दिखाई दे रहे थे. तो मतलब गर्ल की अपीयरेंस के बारे में स्टूडेंट यू कैन राइट फ्रॉम हियर कि शी वॉज स्टार्विंग चाइल्ड. थिन थी बहुत, स्लीक थी एंड वीक थी उसकी बॉडी. उसका जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क था. और वो बट उसकी ड्रेसिंग सेंस में क्या था कि शी वॉज वेयरिंग एन अर्थ कलर ड्रेस जिसके दो टुकड़े करके उसने एक स्कर्ट बनाई थी और साड़ी बनाई थी. और उसका फूड क्या होता था, एक चपाती होती थी जिसमें उसने ग्रीन चिली और ख़राब हो चुके बटर को स्मेयर किया होता था, उसकी पेस्ट उसको अप्लाई किया होता था. और उस रोटी के वो दो टुकड़े कर लेती थी ताकि उसे लगे कि उसका फूड जो है थोड़ा ज़्यादा है. और जब वो खाती थी तो उसके सफ़ेद दांत जो है वो बाहर दिखाई देते थे. With her ebony hair and great eyes and her skin of oiled brown cream, she was a happy, immature child woman about 12 years old, barefoot, of course, and often goosey cold on a winter morning and born to toil. तो जो सिबिया थी, विद हर एबनी हेयर, उसके जो है रेड कलर के हेयर थे, डार्क ब्राउनिश रेड कलर के हेयर थे, ग्रेट आइज, बड़ी बड़ी आंखें थी, एंड हर स्किन ऑफ ऑयल ब्राउन क्रीम. और उसकी जो स्किन थी वो थोड़ी चिपचिपी सी थी, ऐसा लग, बहुत डार्क कलर की थी. कम्प्लेक्शन उसका ब्राउन था, टैंड था. शी वॉज अ हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड. लेकिन वो बहुत खुश दिखाई देती थी, खुश मिजाज, दिखने में बहुत हैप्पी गोइंग गर्ल थी. इमेच्योर चाइल्ड वुमेन, इमेच्योर चाइल्ड वुमेन, स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन करो. उसको चाइल्ड वुमेन क्यों कहा गया, दैट आई विल टेल यू लेटर इन द स्टोरी. तो वो एक 12 साल की लड़की थी और एक छोटी सी चाइल्ड वुमेन की तरह वो रहती थी. उसकी अपीयरेंस कैसी थी, उसके भूरे लाल बाल, मतलब ब्राउनिश रेड हेयर थे, बड़ी बड़ी आँखें थी और चिपचिपी स्किन थी. और उसका कम्प्लेक्शन काफ़ी हद तक डार्क था. एज वॉज 12 ईयर्स. बेयरफुट ऑफ कोर्स एंड ऑफन गूसी कोल्ड ऑन अ विंटर मॉर्निंग एंड बॉर्न टू टॉय. तो वो हमेशा नंगे पांव रहती थी एंड ऑफन गूसी कोल्ड ऑन अ विंटर मॉर्निंग. और जब सर्दियां होती थी तो उसके गूज बम्स होते थे बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग वार्म क्लोथ्स. उसके पास स्वेटर्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो जब भी सर्दी होती थी उसकी बॉडी पे गूज बम्स जो दिखाई देते थे. एंड बॉर्न टू टॉयल, और ऐसा लगता था सिर्फ हार्डवर्क करने के लिए ही वो जन्मी है, पैदा हुई है. टॉयल मीन्स हार्डवर्क. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर ओन्ड एनीथिंग बटर देन. कहते अब तक की अपनी 12 साल की ज़िंदगी में उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक उस फटे पुराने कपड़े के सिवाय जो वो पहनती थी. शी हैड नेवर ओन्ड इवन वन आना, नॉट अ पाइस, नॉट अ पाई, इवन टू बाय सी अ हैंडफुल ऑफ ब्लोन ग्लास बीड्स फ्रॉम दैट स्टॉल इन द बाजार वेयर दे वर पाइल्ड लाइक स्टार्स.
पहले हाफ लाइन को एक्सप्लेन करूंगी, शी हैड नेवर ओन्ड इवन वन आना, तो कभी उसके पास अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा दिन नहीं था कि उसके पास एक आना हो, ना ही एक पैसा हो, ना ही एक पाई, मतलब पैसे का भी एक फ्रैक्शन जो कहते हैं वो भी नहीं था, उसके पास कभी भी मनी नहीं होता था और इतना पैसा भी नहीं होता था कि उससे वो मुट्ठी भर ग्लास बीड्स मतलब कांच की जो है मूर्ति खरीद सके। कहाँ से? फ्रॉम अ स्टॉल इन द बाजार वेयर देवर पाइन लाइक स्टार्स, कि जब वो मार्केट जाती थी वहाँ पर छोटे छोटे जार्स में तारों की भांति स्टार्स की तरह छोटे छोटे ग्लास बीड्स पड़े होते थे, लेकिन सिबिया के पास कभी भी इतना पैसा नहीं था कि वो उन छोटे मुट्ठी भर ग्लास बीड्स को खरीद सके। और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स दैट द मैन कैप्ट ऑन अ स्टिक एंड यू कुड चूज विच कलर यू हैड, और ना ही उसके पास कभी इतने पैसे थे कि वो मार्केट जाए और वहाँ पर एक आदमी जो कि स्टिक पे रख के कांच की जो पतली पतली बैंगल्स बेचता था उन्हें वो खरीद सके। मीन्स शी वॉज नॉट हैविंग मनी, कि उसके पास ना तो बैंगल्स खरीदने के पैसे थे ना ही मुट्ठी भर कांच के बीड्स खरीदने के लिए कभी पैसे हुआ करते थे। शी न्यू वट फाइनरी वॉज टू, कहते लेकिन गरीब होने के बाद भी वो जानती थी कि वट फाइनरी वॉज, कि जो अच्छा आर्ट है वो क्या होता है, कि अगर कोई चीज़ अगर उसने खरीदनी है तो उनमें से फाइन थिंग कौन सी है, शी वॉज एबल टू आइडेंटिफाई। शी हैड बीन विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स ऑल थ्रू द जंगल टू द लिटिल टाउन एट द रेल हेड वेयर देयर वॉज दिस बाजार, तो कहते अक्सर वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाइयों के साथ जंगल से होती हुई एक छोटे से टाउन में जाती थी, एट द रेल हेड जहाँ पे रेलवे ट्रैक ख़त्म होता था उसके पास एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ और पेरेंट्स के साथ अक्सर जाती थी। एंड शी हैड वॉक थ्रू ऑल द मिलिंग पीपल, और जब वो जाती थी तो रास्ते में मिलिंग पीपल होता है ह्यूज क्राउड, तो बहुत सारे क्राउड में से होकर गुजरना पड़ता था, मीन्स टू से कि उस बाज़ार में हमेशा भीड़ रहती थी। एंड डॉग्स एंड मंकीज फुल ऑफ फ्लीज, और बाज़ार में बहुत सारे पाई डॉग्स घूमते थे, आवारा कुत्ते घूमते थे और बहुत सारे मंकीज घूमते थे फुल ऑफ फ्लीज, जिनकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट्स होते थे, मतलब गंदे गंदे डॉग्स और गंदे जो है मंकीज घूमते थे। द आइडलिंग गॉसिपिंग बार्गेनिंग ह्यूमैनिटी स्पिटिंग बिटल जूस, इसके अलावा जब वो मार्केट से गुजरती थी तो रास्ते में वो देखती थी आइडलिंग मतलब जो फ्री में घूमते बेकार घूम रहे लोगों को देखती थी, गॉसिपिंग ऐसी ह्यूमैनिटी क्राउड को देखती थी जो कि अपना समय बिताने के लिए बाजार में आते थे, आपस में गॉसिप करते थे, बातचीत करते थे, बार्गेन कर रहे होते थे और दुकानदारों से सामान खरीदते हुए मोल भाव कर रहे होते थे। स्पिटिंग बेटल जूस, जो इधर उधर पान के जूस को थूकते थे। हर्ड द बेल ऑफ अ सेक्रेट बेल क्लॉकिंग एज ही लम्प्ड अलोंग थ्रू द डस्ट एंड हवा, और इसके अलावा जब भी वो मार्केट जाते थे तो अक्सर उसे बुल की जो बैल होते हैं उनके गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनने को मिलती थी जब वो बैल जो है बुल्स जो है वो मिट्टी में से और इस रश में से होकर गुजरते थे। मैं ये पूरा पैराग्राफ हिंदी में दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। तो सिबिया हालांकि गरीब थी लेकिन उसे पता था कि आर्ट क्या होता है, कैसे अच्छी चीज़ अच्छी बैंगल्स कौन सी है या अच्छे बीड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उसे इस बात की पूरी नॉलेज थी। वो अक्सर अपने पेरेंट्स और भाइयों के साथ एक छोटे से टाउन में जाती थी, वो टाउन कहाँ था, जहाँ पर रेलवे की पटरी ख़त्म होती है, वहाँ उस टाउन में एक बाज़ार था और जब वो बाज़ार में से जब गुजरती थी तो देखती थी वहाँ ढेरों के ढेरों मिलिंग क्राउड होती थी, बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे मंकीज़ और डॉग्स होते थे रास्ते में, वो वहाँ पर अक्सर देखती कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे जो आपस में बातें कर रहे होते, समय बिता रहे होते, मोल भाव कर रहे होते चीज़ों का, और उनमें से कुछ लोग जो है वो इधर उधर पान खाकर थूक रहे होते। इसके अलावा कभी कभी उसे रास्ते में बुल के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ भी सुनती, और वो तब सुनती जबकि बुल जो है उस धूल भरे रास्तों से गुजर रहे होते। देन नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स Wait. She knew what she had paused and amazed. Next is she had 8 seconds to this. She had paused and amazed before the sweet meat stall. तो जब वो बाज़ार से गुजर रही थी तो वो स्वीट मीट स्टॉल होते हैं मिठाइयों की दुकान, तो जहाँ मिठाइयों का स्टॉल लगा होता था वहाँ वो रुक जाती और हैरानी से उन्हें देखती। अमेज्ड टू गेज एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेक्शंस अबज़ विद डस्ट एंड फ्लाइज, तो वो हमेशा मिठाइयों के स्टॉल के पास रुक के हैरानी से उन हनी कन्फेक्शंस को देखती, शहद से बनी हुई मिठाइयों को स्वीट्स को देखती जिनके ऊपर मक्खियाँ भिन भिना रही होती और धूल से वो सनी होती।
दे स्मेल्ड वंडरफुल अबव द स्मेल्स ऑफ ग्रेन्स एंड ह्यूमैनिटी एंड चीप सिगरेट्स। तो जब सिबिया उन कन्फेक्शंस को देखती, उन स्वीट्स को देखती, तो उसको लगता कि उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि उस टाइम पे चारों तरफ से ड्रेन्स की स्मेल आ रही होती, नालियों की स्मेल आ रही होती, लोगों की भीड़ से पसीने की दुर्गंध आ रही होती और साथ ही सिगरेट्स की स्मेल आ रही होती। लेकिन इनके बावजूद फिर भी सिबिया जो है वो उन कन्फेक्शंस की जो वंडरफुल स्मेल है उसको फील कर पाती थी। मीन्स यहाँ से हमें ये हिंट दिया गया था कि सिबिया वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट दोज हनी कन्फेक्शन। उसका मन करता था कि वो शहद से बनी उन मिठाइयों को, उन स्वीट्स को खाए। एंड एट होम शी समटाइम्स टेस्टेड वाइल्ड हनी और क्रंच्ड द सिरप आउट ऑफ स्टॉक ऑफ शुगर केन, बट दीज स्वीट्स वर ग्रीन एंड मिजेंटा। तो कहते अपने घर पर कई बार उसने वाइल्ड हनी, मतलब जो फॉरेस्ट हनी होता है, शहद होता है, जंगली शहद, उसको टेस्ट किया हुआ था। इसके अलावा उसने गन्ने का जूस भी पिया हुआ था, मतलब गन्ने को भी चूसा हुआ था। लेकिन ये जो स्वीट्स थी जो मार्केट में मिल रही थी वो ग्रीन और मेजेंटा कलर की थी, इसलिए वो उसे अमेजिंग लगती थी। एंड शी हैड एन इनर इंटेंस डिज़ायर टू ईट देम। तो उसका मन करता था कि वो उन सारी स्वीट्स को जो है वो खाए। देन बट नेक्स्ट मेड स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लू बीड। रेस्ट आई विल एक्सप्लेन इन पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।